करनीति जी की बात सच साबित हो गई। यही तो वो कह रहे थे कि टॉलरेंस नहीं है, ऊंच नीच आपको चाहिए, भेदभाव चाहिए, पाखंड चाहिए। क्यों नहीं हम एक कोशिश करते हैं कि तमाम मंदिरों में बाकायदा चयन करें, हर जाति से पुजारी हो, सबके लिए खुला हुआ हो, कोई भेद ना हो, सीवर में उतरने वालों की जाति बदल जाए। आप 10 करोड़ ये बोल करके ना सर काट के लाने को, उन्होंने वो जो अंग्रेजी एक कहते हैं ना मैथमेटिक्स में QED, आपने प्रूव कर दिया। G20 हो रहा है और ये देश क्या डिस्कस कर रहा है, कि शिवलिंग अड़घा, किसने कहां हाथ धोया धोया, तो उनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अगर आस्थाएं कहीं आहत होती हैं तो। लेकिन ये लगातार 24 घंटे इसी पर चर्चा होती रहे कि उसने वहां हाथ धो लिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने उसका सर काट के लाओ, ये हो क्या रहा। अगर दुनिया के जाने माने लोग, अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आएंगे, यहां का अखबार खोलेंगे ना, कहेंगे अरे ये कौन सा देश है, यहां तो ये कहा जाता था वसुधैव कुटुंबकम, यहां तो कुटुंबों में आग लगी हुई है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं किस प्रकार जा रही हैं।